हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आपको पता है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। यूपी के मदरसों में अब शुक्रवार की जगह रविवार को होगी छुट्टी। इस प्रस्ताव पर जनवरी में होगा फैसला। जी हां, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को मदरसों में शुक्रवार की बजाय रविवार को छुट्टी किए जाने का एक प्रस्ताव सौंपा गया है। इस पर आखिरी फैसला मदरसा बोर्ड की जनवरी में आयोजित होने वाली बैठक में लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी और फारसी मान्यता प्रशासन एवं सेवा नियमावली 2016 में जरूरी संशोधन और बदलाव के सिलसिले में एक बैठक बुलाई गई थी। इसमें बोर्ड के सदस्यों और बड़ी संख्या में मदरसों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। जावेद के मुताबिक इस बैठक में मदरसों में शुक्रवार की बजाय रविवार को साप्ताहिक छुट्टी किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। मदरसों में साप्ताहिक छुट्टी को लेकर बहुत दिनों से मदरसों से जुड़े हुए लोगों की ओर से ऐसी मांग की जा रही थी। हालांकि बैठक में कई मदरसों के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई है, हालांकि अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। इस पर अंतिम फैसला जनवरी में होने वाली बैठक में लिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित लगभग देश के सभी मदरसों में शुक्रवार को ही साप्ताहिक अवकाश होता है। शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, जिसका इस्लाम में विशेष महत्व है। जुमे की तैयारियों के मद्देनजर ही मदरसों में शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लोग बूस्टर डोज लगवाएं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अपील। जी हां, चीन में बढ़ते हुए कोरोना के मामले अब भारत में भी टेंशन बढ़ाने लगे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक की और कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करते हुए बताया कि समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और बैठक में कोरोना के नए चीनी वेरिएंट को लेकर एक्सपर्ट से चर्चा हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार है। लोगों से बूस्टर डोज लगवाने और पूरी एहतियात बरतने को कहा गया है। देश के 50 डिफॉल्टर्स ने लगाया बैंकों को 92,570 करोड़ रुपए का चूना, मेहुल चौकसी शीर्ष पर। जी हां, देश के 50 बड़े डिफॉल्टर्स ने बैंकों के 92,570 करोड़ रुपए हजम कर लिए हैं। इसमें भगोड़ा मेहुल चौकसी शीर्ष स्थान पर है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान एक लिखित जवाब में बताया कि हीरा व्यापारी और गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल पर सबसे अधिक 7,848 करोड़ रुपए की देनदारी है। मंत्री ने बताया कि इरादतन लोन न चुकाने वालों पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। सरकार की ओर से पेश सूची में ईरा इंफ्रा 5,879 करोड़, REI एग्रो 4,803 करोड़, कॉनकास्ट स्टील एंड पावर 4,596 करोड़, ABG शिपयार्ड 3,708 करोड़ और फ्रोस्ट इंटरनेशनल 3,311 करोड़ रुपए के साथ बड़े डिफॉल्टर्स हैं। ABP न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मेहुल के रिश्तेदार और दूसरे आर्थिक अपराधी भगोड़े नीरव मोदी की फर्म फायर स्टार 803 करोड़ रुपए के साथ 49वें स्थान पर है। बता दें कि पिछले हफ्ते बैंकों से धोखाधड़ी में CBI ने मेहुल चौकसी पर 3 नए मुकदमे दर्ज किए हैं। ट्विटर के CEO पद से इस्तीफा देंगे एलन मस्क, कर रहे हैं मूर्ख का इंतजार। जी हां, अरबपति एलन मस्क ने बड़ा ऐलान किया है। ट्विटर के नए CEO मस्क जल्द ही अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। हालांकि ट्विटर यूजर्स को ये जानकारी ज्यादा हैरान नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने ही इसके लिए वोट किया है। एलन मस्क ने अपने ट्वीट में कहा है कि जैसे ही उन्हें कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति मिल जाएगा जो इस पद को लेने के लिए योग्य लगेगा, तो वो तुरंत इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद वो केवल सॉफ्टवेयर को चलाएंगे और सर्वर टीम को देखेंगे। आपको बता दें कि CNBC की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि एलन मस्क इस समय काफी एक्टिव होकर ट्विटर के नए CEO की तलाश में हैं। दरअसल एलन मस्क ने हाल ही में एक ट्विटर पोल किया था, जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा था कि क्या उन्हें ट्विटर के CEO के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पोल के जवाब में कुल 57.5% यूजर्स ने एलन मस्क के पद से हटने के पक्ष में वोट किया था।
भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी, केंद्र के सवाल पर कांग्रेस ने दिया ये जवाब। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। पत्र में मंडाविया ने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग लागू किया जाए, इसके साथ ही कहा कि इसमें केवल टीकाकरण वाले लोग ही भाग लें। इस पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के सवाल कर रही है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी से पूछा कि क्या गुजरात चुनाव में पीएम मोदी मास्क लगाकर और सारे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर घर गए थे। चीन में कोरोना विस्फोट पर भारत सरकार हुआ अलर्ट, राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने का दिया निर्देश। जी हां, चीन समेत कई देशों में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भारत सरकार अब अलर्ट पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इस लेकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक किए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी करते हुए कोरोना संक्रमण के नए मामलों की रिपोर्टिंग करने और नए वेरियंट्स को पकड़ने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। चीन में जीरो कोविड नीति में ढील देने के बाद कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है और यहां पर हालात बेकाबू हो चुके हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 3 महीने में लगभग 80 करोड़ लोग यानी चीन की 60% से अधिक आबादी कोरोना से संक्रमित हो जाएगी और कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर न्यूनतम 5 लाख और अधिकतम 10 लाख से अधिक लोगों की जान चली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश कुमार भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील और चीन में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इससे भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामले ट्रैक हो सकेंगे और इन मामलों को बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी। कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर बोले संजय राउत, कहा चीन की तरह घुसेंगे। जी हां, कर्नाटक और महाराष्ट्र में चल रहे सीमा विवाद के बीच शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत अपने एक बयान से विवाद को और बढ़ा दिया है। राउत ने कहा कि वे कर्नाटक में वैसे ही प्रवेश करेंगे जैसे चीन ने देश में किया है और उन्हें इस संबंध में किसी की अनुमति की भी जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। राउत ने कहा कि जैसे चीन ने प्रवेश किया है, हम भी करेंगे कर्नाटक में। हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। हम इसे बातचीत से हल करना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री आग भड़का रहे हैं। महाराष्ट्र की कमजोर सरकार इस पर कोई स्टैंड नहीं ले रही है। मामले पर महाराष्ट्र और कर्नाटक विधानसभा में हंगामा चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात कर चुके हैं, तो वहीं सीमा क्षेत्र बेलगावी पर धारा 144 लागू है। कोरोना को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब विदेश से लौटने पर होगा कोविड टेस्ट। जी हां, चीन में फिर से कोविड का प्रकोप बढ़ने लगा है। इसके मद्देनजर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग जांच से लेकर उपचार तक की व्यवस्था शुरू करे, इसके साथ ही एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ा दी जाए। संक्रमण प्रभावित देशों की यात्रा से लौटे लोगों की जांच कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए ताकि वायरस के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश के सभी सीएमओ और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण प्रभावित देश से आने वाले सभी यात्रियों की जांच सुनिश्चित की जाए, जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए जिससे नए वेरिएंट का सटीक तरीके से पता लगाया जा सके। सर्दी, जुकाम और बुखार समेत अन्य लक्षण वाले यात्रियों को चिन्हित करें, कोविड संदिग्ध के नमूने लेकर जांच कराई जाए। इसके साथ ही विदेश यात्रा से लौटे लोगों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जाए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग विदेश की यात्रा से लौटे लोगों की सूची बनाए, 12 से 14 दिन तक उनकी सेहत का हाल ले, किसी भी तरह की परेशानी होने पर उन्हें उपचार उपलब्ध कराया जाए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जांच और उपचार के इंतजाम सुनिश्चित करें, कोविड संक्रमितों की भर्ती की व्यवस्था करें, ऑक्सीजन से लेकर आरटीपीसीआर, सिटी स्कैन, एक्सरे, पैथोलॉजी की जांच से जुड़े हुए संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था कर लें, मास्क, पीपीई किट व ग्लव्स आदि भी पर्याप्त मात्रा में जुटा लें। तवांग मुद्दे पर सोनिया गांधी के तीखे सवाल, पूछा चर्चा से क्यों बच रही है मोदी सरकार। जी हां, तवांग मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब सोनिया गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने चीनी अतिक्रमण पर चिंता जाहिर की और कहा कि सरकार अडिग है, चीनी अतिक्रमण पर चर्चा नहीं कर रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि चीन के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। गंगा के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। आज का सुविचार, इंसान जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।